दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे एक पोस्ट एनालिसिस वीडियो और लेके आया हूँ। जो इस बार पोस्ट एनालिसिस पर वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जो दो शानदार प्रदर्शन प्लेयर कर रहे हैं, वो है यूएसए के खिलाड़ी वर्सेस इटली के प्लेयर। यूएसए के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्स वर्सेस इटली के प्लेयर हैं विंबलडन के रनर अप रह चुके मैट्यू बेरेटिनी। जब से उनको कोविड हुआ उसके बाद थोड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई है और इसलिए इस बार भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। वैसी बात नहीं कि टेलर फ्रिट्स कमजोर खिलाड़ी है, टेलर फ्रिट्स तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, खासकर मैट्यू बेरेटिनी के खिलाफ। और मैट्यू बेरेटिनी मुझे लग रहा था कि इस बार क्या होता पलड़ा भारी रखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैट्यू बेरेटिनी ने दोनों मैचेस खेले अपने अपने रन के खिलाफ, जिसका सीसी पास के खिलाफ भी कोई जीते नहीं थे उसमें भी नहीं जीते, और इस बार भी टेलर फ्रिट्स से भी नहीं जीते। दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड में अभी तक दो बार जीत चुके थे टेलर फ्रिट्स और तीसरी बार भी टेलर फ्रिट्स ही जीते हैं। इंडियन वेल्स में जीते थे 2021 में और 2019 में जीते थे, शानदार प्रदर्शन किया था, और 2023 में भी एट यूनाइटेड कप में भी जीत गए हैं मैट्यू बेरेटिनी के खिलाफ। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस है। ATP 99 वर्सेज ATP 916 मैच होने वाला था शानदार, और मैच एकदम हुआ शानदार। दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को तो क्लिक जरूर कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सारी मिलती जाए यार, सारी मिलती जाए तुरंत के तुरंत। दोस्तों अब बढ़ते हैं पैलेस एक्ट की ओर। पैलेस एक्ट की ओर बात करूँ तो पैलेस एक्ट में दोनों प्रदर्शन अच्छा रहा, दोनों प्लेयर्स का प्रदर्शन दोनों प्लेयर्स का कंटिन्यू मैच में अच्छा रहा। सिर्फ जो मोमेंट्स आए हैं वो गेम ऑफ इंचीज आया है। क्यों गेम ऑफ इंचीज बोल रहा हूँ, गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट डिसाइड हुए हैं टाई ब्रेकर में। पैलेस एक्ट में 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, 3-3 हुआ, 4-4 हुआ, 5-5 हुआ, 6-6 हुआ, और टाई ब्रेकर में शानदार प्रदर्शन किया टेलर फ्रिट्स ने, और टेलर फ्रिट्स ने टाई ब्रेकर को अपना जीता और पहला सेट जीता और 8 सेट दूर रह गए। अब दूसरी को देखा जाए मैट्यू बेरेटिनी को, भाई टाई ब्रेकर तो हार गया, उन्हें चाहिए था कि जीतना। सेकंड बार भी जो प्रदर्शन था दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा रहा, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, उसके बाद एक बार आ गया फिर से टाई ब्रेकर। इस बार टाई ब्रेकर थोड़ा ज्यादा लंबा खींचा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाई ब्रेकर। इस बार भी एक बार चैंपियनशिप पॉइंट आया था, या मैच पॉइंट बोल लीजिए, वैसे चैंपियनशिप पॉइंट बोल नहीं सकते, मैच पॉइंट बोल लीजिए, मैच पॉइंट बचाया मैट्यू बेरेटिनी ने। उसके बाद सेकंड जो मैच पॉइंट आया टेलर फ्रिट्स ने वो कन्वर्ट किया, 8-6 से टाई ब्रेकर जीता, और पहला सेट 7-6 से, सेकंड सेट भी 7-6 से, दोनों टाई ब्रेकर जीते। स्टैट्स को नजर डालते दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड में 3 मैचेस तो जीत चुके हैं टेलर फ्रिट्स। ये वाला मैच मिलाकर अगर ये वाले मैच से स्टैट्स रखा जाए तो 15 एसेस लिए टेलर फ्रिट्स ने, ओनली 7 एसेस लिए मैट्यू बेरेटिनी ने। डबल फॉल दोनों के 2-2 हैं, ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, कोई ब्रेक पॉइंट्स आने नहीं दिया टेलर फ्रिट्स ने, दैट्स अ वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इस मामले में। दूसरी ओर देखा जाए बेरेटिनी ने 9 ब्रेक पॉइंट्स आए बट कन्वर्ट तो नहीं होने दिया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बात आते हैं टाई ब्रेकर्स, मेन जो बात है टाई ब्रेकर्स दोनों जीते हैं टेलर फ्रिट्स और मैट्यू बेरेटिनी, कोई भी टाई ब्रेकर नहीं जीते। दोस्तों आपको क्या लगता है कि टेलर फ्रिट्स कैसा प्रदर्शन करेंगे? जो जैसा मुझे लग रहा है जैसा वो खेल रहे हैं, शुरुआत की है इस साल में बहुत बढ़िया शुरुआत की, अगर ऐसा प्रदर्शन किया तो देख लेना, जो मुझे लग रहा है जो काफ़ी ऊपर वाला सीजन होना, ऊपर वाले का मतलब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले होने वाला है, 2-3 मास्टर्स होने वाला है, उसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं ये टेलर फ्रिट्स। मैट्यू बेरेटिनी भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं बट कोविड हुआ था उन्हें पिछले बार, उसके बाद ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं खेल पाए। होपफुली अब उनका सीजन अच्छी मैच प्रैक्टिस होगी और ऑस्ट्रेलियन ओपन में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन बताएं और इस बार क्वार्टर फाइनल से भी दूर जाएं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय देते रहें हमेशा की तरह, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।